तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर हो जाएगा वेनुगोपाल नरसिंह राव, यानी सर बी एन राव, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, सर बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय सम्मिलित हैं? आंसर हो जाएगा 97 विषय सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? आंसर हो जाएगा भारतीय डाकघर अधिनियम। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, सॉरी आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? आंसर हो जाएगा धन विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्ला। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? आंसर हो जाएगा संघीय मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आंसर हो जाएगा 14। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? आंसर हो जाएगा बिहार राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? आंसर हो जाएगा बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये संसद के 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? आंसर हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कौन करता है? आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होगा? आंसर हो जाएगा पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को, भारत
का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? आंसर जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? आंसर हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? आंसर हो जाएगा 28। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है? आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 335 के प्रावधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु क्या है? आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मालंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू वित्त वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस बजट, यानी कि निष्पादन बजट कहा जाता है। सॉरी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को कहते हैं? आंसर हो जाएगा बजटीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया हुआ है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना 1/6 से कम मत प्राप्त हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष की। अगला प्रश्न देखते हैं, तो संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है?
आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा 1976 में। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? आंसर हो जाएगा संसद। संसद मौलिक अधिकारों के में संशोधन करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा चतुर्थ भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कितना है? तो आंसर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए, कितना? 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? आंसर हो जाएगा 2 प्रतिनिधियों को भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदन सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? आंसर हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का शक्ति प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 6 महीने का। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है? आंसर हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति भारतीय संसद में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का अंग है। अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता है? आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, किस देश में, सॉरी अभी ये लागू नहीं है, इसको हटा लिया गया है। आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निदेशक सिद्धांत वर्णित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निदेशक सिद्धांत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? आंसर हो जाएगा गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1/3 सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, प्रथम भाषा यथा सॉरी किस राज्य ने बनाया था? सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई, ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर नहीं है। प्रथम भाषाई राज्य किससे बनाया गया था? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? आंसर हो जाएगा 29 या 28 हो जाएगा, भारत संघ में 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है।